हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीटेट 2012 हिंदी के 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। अगर हम एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बेसिस पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या ऐसा भी नहीं, एक से ज़्यादा भाषा ऐसा कि शिक्षक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। संज्ञात्मक विकास में सहायक है, और फोर्थ ऑप्शन है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, ऐसा नहीं, बाधक भी नहीं होता, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, 92 क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके? नहीं, सभी बच्चों के साथ ही बैठाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी गलत ही है। शामिल क्यों नहीं किया जाएगा, हर सब मतलब विभिन्न भाषिक गतिविधियों में उन्हें भी शामिल करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, भी गलत है। ये अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना, एक्चुअली क्या होता है कि अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप बोलेंगे वो सुन सकता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, 93 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान देना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाएँ, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हों, ये सबसे बेहतर ऑप्शन लग रहा है मुझे। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो उतना बेहतर नहीं है, केवल कहानियां कविता ऐसा भी नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा अपने परिवेश के साथ, मतलब इसमें बोला गया है कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े, बच्चा जहां पे रहता है अगर उस टाइप का कुछ रहेगा तो बच्चा जल्दी सीखता है और उससे लगाव भी रखता है सीखने में। ठीक है, 94 बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? भाषिक क्षमता के आकलन का, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, उतना अच्छा नहीं है ये। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्दों को उदाहरण दीजिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। 95 देखेंगे। यहाँ पे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक का मतलब बोल करके, तो यहाँ पे है व्याकरणिक आधारित संरचना अभ्यास अपने अनुभव का। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम वाला बताना है आपको, ज़्यादा अलग करना है। अपने अनुभव का वर्णन, ये अगर बोल रहे हैं आप, वर्णन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। बातचीत करना, ये भी प्रभावी है। संवाद अदायगी, मतलब अगर दो बच्चे संवाद कर रहे हैं, दो से ज़्यादा हैं तब भी, तो ज़्यादा अच्छे से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, तो यहाँ पे व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, इसमें क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास बहुत ही सबसे कम, मतलब बहुत ही कम महत्वपूर्ण होता है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं, याद रखिएगा। विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। एक चीज़ याद रखना, हमेशा लर्न करने के लिए सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर वहाँ पे लर्न करने की बात होती तो हमेशा और निगेटिव ऑप्शन दिया गया है, नहीं है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और थर्ड में दिया है, दैनिक जीवन में हिंदी में समझनेता बोलने की क्षमता का विकास, ये तो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। बोलने की क्षमता के अनुरूप और लिखने की क्षमता का विकास, ये भी है, तो आपका नहीं है पूछा है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 97 देखेंगे। यहाँ पे भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए, भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छा, आपको पता होगा, कोई भी भाषा सीखने, अगर इन्वायरमेंट अगर अच्छा है, मतलब आसपास का एरिया अगर उस भाषा में बोला जा रहा है, तो बच्चा जल्दी सीखता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, समृद्ध भाषिक वातावरण। 98 देखें, किसी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे?
तो यहाँ पे सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। तो यहाँ पे व्याकरणिक नियम ठीक है। भाषा, किसी भाषा का मूल्यांकन करते समय, मतलब यहाँ पे देखिए मूल्यांकन का मतलब आप उसकी जांच कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम, निबंध लिखने की योग्यता, काव्य सौंदर्य। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सीखने की क्षमता का आकलन, कि बच्चे ने कितना अच्छे से आकलन, मतलब सीखने की क्षमता का आकलन कर लिया है। ठीक है, मतलब कितनी अच्छे से उसके अंदर सीखने की क्षमता विकसित हुई है। 99 देखेंगे, एक बहुभाषी कक्षा में आप किससे सबसे कम महत्व देंगे? कम ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है, सबसे कम। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा में बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाने के दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता का अंतर और विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसका 4 ऑप्शन। और ये सभी क्या हैं? बहुभाषिक कक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये सभी। और ये नहीं पूछा है सबसे कम, तो ये अंतर के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। 100 क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे कम महत्वपूर्ण अभ्यासों की वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाई। तो आपको दिख रहा होगा ये तो बिल्कुल आसान है, पाठों की संख्या खास डिपेंड नहीं करती कि पाठ्य पुस्तक निर्माण करते सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 देखेंगे यहाँ पे, 100 भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है बहुभाषिकता, मतलब एक से ज़्यादा भाषा सीखना ऐसा तो नहीं है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी गलत है। भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला बोला है भाषा सिखाने में बहुत बाधा, ये भी गलत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन। 102 देखते हैं, भाषा का क्या काम होता है? विद्यालय में सीखी जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक लग रहा है। सदैव व्याकरण के नियमों का, ये बिल्कुल गलत है, नियमों की जानकारी से ही नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बेस्ट आपका सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि नियम तो ठीक है लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर वे में वन बाय वन एक स्टेप है, जैसे एक समय ऐसा आएगा जो कि इन्वायरमेंट डिपेंड करेगा कि बच्चा शुरू में किस तरीके से डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, 103 की बात करेंगे यहाँ पे, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी प्लेट होते हैं, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं, कुछ नहीं सीखे रहते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, ऐसा तो नहीं है, भाषा के चारों कौशलों को पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये भी गलत है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, ऑप्शन हमेशा निगेटिव हटा के रखेंगे तो आपको आंसर बेटर मिलेगा, जैसे जो लग रहा है कि नहीं है तो उन लोगों को हटा दीजिए। तो यहाँ पे भाषा अर्जन से आया है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए नहीं आया, इस बात का भी ध्यान रखना, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अनुवाद जो होता है ना, इसका सहारा नहीं लिया, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 देखेंगे, मंदिर पहली कक्षा में पढ़ती और मुझे आप बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, ये सब वाक्य प्रयोग कर लेती है वो, आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर सकती है, ऐसा नहीं है, उसने सर्वनाम के साथ साथ जैसे मैं थक गई, मैं यहाँ पे सम्राण है, मुझे, ये भी सर्वनाम है, इसके साथ साथ उसने प्रॉपर अच्छे से लिंग का, मतलब कि स्त्रीलिंग पुलिंग, इस बात का भी ध्यान रखना है, और फिर इस बेसिस पे प्रॉपर चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक बार क्वेश्चन 105 बात करते हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, तो यह केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर जानती है, ऐसा नहीं है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड है, केवल मैं वन जीरो फाइव की बात करेंगे यहाँ पे, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, तो मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, ऐसा नहीं है, उसने प्रॉपर सेंटेंस का भी यूज किया है, और केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम, ये भी गलत है।
केवल मैं वाले शब्दों का ऐसा भी गलत है, उसने मैं के साथ मुझे का भी एक से ज़्यादा वर्ड यूज किए हैं। और यहाँ पे लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना सीख लिया है, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ, वन जीरो फाइव की बात करेंगे यहाँ पे। वन जीरो फाइव की बात करेंगे। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य का ही बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यूज हुई हैं, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पैराग्राफ बेसिस पे क्वेश्चन आ गए हैं। पैराग्राफ में 15 क्वेश्चन पैराग्राफ के भी होते हैं, तो पैराग्राफ मैं रीड कर दे रहा हूँ। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत व पेड़ है आदि बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंदलता है पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जग उमंग ये सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल है मिलता जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो अब सब है बेकार, हरा भरा है जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। इस बेसिस पे क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हरा भरा के पहला ऑप्शन है, हरा भरा जीवन का अर्थ है। पोएम वाले में थोड़ा सा हमें अपने मन से आंसर देना पड़ता है, जो आपका पहले वाला पार्ट आता है जिसमें ढेर सारे पैराग्राफ रहते उसमें तो आप आंसर मिल जाएगा ज़्यादातर क्वेश्चनों को, लेकिन पोएम वाले में आपको थोड़ा समझना पड़ता है। हरा भरा जीवन का अर्थ है पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों का जीवन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हरियाली युक्त जीवन, ये भी गलत है, खुशियों से भरपूर जीवन, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 107 की बात करेंगे, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है, नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ों की हवा। तो यहाँ पे देखिए नदी, इस पोएम में आप अभी जब मैं डिस्कस कर रहा था, आप दोबारा से देखना हो तो देख लेना, नदियों की आवाज़, पहाड़ियों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक, पेड़ों की हवा। तो यहाँ पहाड़ों, नदियों, पेड़, इन तीनों की बात है, तो आपका थर्ड ऑप्शन समस्त प्राकृतिक उपादान हो जाएगा। 108 की कहेंगे, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, तो यहाँ भी वृंद, हरा भरा जीवन, पेड़ पौधे डालियाँ, ये सब यूज हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लेंगे, प्राकृतिक सुंदरता, उस पर तो नॉलेज, खुशी। 108 हो गया था, 109 की बात करेंगे। कवि यह संदेश देता है कि जीवन में सभ्यकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत शामिल हैं, चंदन के पेड़ लगाने से है। तो यहाँ पे देखिए अभी लास्ट वाली लाइन में था कि हरा भरा जीवन, स्वस्थ रहे, एक लास्ट वाली लाइन में आपने देखा होगा यहाँ पे कि पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब बेकार है, लास्ट से सेकंड वाली लाइन। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, सेकंड ऑप्शन सबसे बेहतर है। ठीक है, संरक्षण करना चाहिए हमें इसका। फिर 1010 है आपका, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो यहाँ पे देखिए जग से तुम मतलब जग से तुम मतलब एक बोला जाए कि संसार से इंसान और इंसान से संसार एक दूसरे पर डिपेंड है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेहतर लग रहा है, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, फर्स्ट ऑप्शन। 11 देखेंगे, अनुपम से अभिप्राय है, सुखद आनंद में मनोहारी जिसकी उपमान दी जा, नाम से ही पता चल रहा है अनुपम, जिसकी उपमान दी जा सके। पैराग्राफ देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे फिर मिस हो जा रहा है बार बार। पैराग्राफ पे चलेंगे हम लोग, पैराग्राफ में देखेंगे यहाँ पे,
पैराग्राफ रीड करते हुए चलते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया जिसमें भारत के 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई। एक तरफ से बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। वही तीसरा उन बच्चों का समूह जो स्कूल जाते हैं और दुकान पर भी कोई मदद नहीं करते हैं। 3 तरीके के बच्चे लिए गए। फिर उसमें गणना के कई विवादित सवाल पूछे गए। दोनों तरह के सवाल में स्कूली बच्चे जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना मनगणित का प्रयोग बहुत कम ही करते हैं। बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियाँ भी की जिसका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होकर दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियाँ कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों का जुड़ना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इस तरह की क्षमताएँ एक कार्यक्षेत्र तक ही सीमित होकर रह जाती, इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित कर सकते हैं। 112 क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ बेसिस पे क्वेश्चन है। पैराग्राफ आप मैंने तो जल्दी से कर दिया है पैराग्राफ को रीड, आप लोग वहाँ पे प्रॉपर रीड करना है 1 by 1। मैंने इसलिए जल्दी कर दिया कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। आप लोग प्रॉपर रीड करना है और अंडरलाइन करना है जो आपको की पॉइंट लगता है, तो इसलिए आंसर आप जल्दी दे पाओगे। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय जुड़ा हुआ था? सामाजिक, गणित, भाषा, दुकान। तो यहाँ पे गणित की बात हो रही थी आपको पैराग्राफ में हर जगह। फिर किन बच्चों में सवाल हल करने के मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है? जैसे जो उसमें बोला गया था जो दुकानदारी करते हैं वो लोग मौखिक गणना ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे थे, तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे गणित सीख सकते हैं? बिल्कुल गलत। बच्चों को गणित सीखना चाहिए? ठीक है, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, भी गलत है। ये 2 ऑप्शन है, लेकिन दूसरे में फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेहतर है। 115 देखेंगे यहाँ पे। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे इसका असर उनके सीधे काम पर पड़ता है। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। जो दक्षता हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर, सिंपल सी बात है, जो काम मतलब अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, यहाँ पे ख़राब और अच्छा दो होता रहता है, ठीक है। 170 अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बढ़ाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित भी कर सकता है। लास्ट पैराग्राफ में यही था, यहाँ पे देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बढ़ाने में बढ़ाने में मदद करते हैं वह ज्ञान संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रत्यय का उदाहरण, एक मतलब जो अंत में आता है, किस शब्द के अंत में जुड़ता है, जैसे सांस्कृतिक, चूँकि इसमें नहीं आ रहा, एक प्रत्यय पूछा गया है तो सांस्कृतिक में ही आएगा, और किसी में संकुचित सीमित चूँकि इन सब में नहीं आएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 मनगणित का अर्थ है, नाम से ही पता चल रहा है, मन ही मन हिसाब लगाना। 120 संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, देन किया, आपका 4th ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के 2000